तो काम की बात करते हैं वापस। हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया ठीक है अब बात करते हैं रिएक्शंस, रेडॉक्स रिएक्शंस और उसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। रेडॉक्स रिएक्शन है क्या देखिएगा मैंने यहां लिया जिंक और यहाँ लिया कॉपर प्लस टू क्या देखता हूं मैं जेडन तो हो गया जेडन और कॉपर हो गया दस तो जिंक ने क्या ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीमेंट हुआ है या डिक्रीमेंट हुआ है इंक्रीमेंट और कॉपर में क्या हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज ठीक है तो जिसका जहां ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है उसको तो बोलेंगे ऑक्सीडेशन प्रोसेस यानी ये बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन और जहां ये हुआ है इसको बोलेंगे रिडक्शन क्या बोलेंगे रिडक्शन तो ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या होगी इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर इज और रिडक्शन की डिक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन कहीं कोई ज्यादा टफ लैंग्वेज है नहीं है एक और पॉइंट जो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो सामने वाले का क्या कर रहा है रिडक्शन तो इसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट क्या बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट और इसको क्या बोलेंगे इसकी वजह से सामने वाले का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन तो ये बोला जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सही है यानी जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा और जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो हमारे लिए कुछ डेफिनेशन जो बन के आ रही है रिडक्शंस, ठीक है तो ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या बनेगी मेरे हिसाब से ऑक्सीड इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन या दूसरे आसान भाषा में बोल सकते हो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन क्या बनेगी रिडक्शन की डेफिनेशन क्या बनेगी हमारे पास डिक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन और दूसरी तरफ से हम लिख सकते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिनेशन क्लियर है इसको लिखो जल्दी से देखिए मैंने ऑक्सीडेश रिडक्शन आपको बता दिया ये बता दिया रिड्यूसिंग एजेंट बहुत आसानी से जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है और जिसका रिडक्शन

उस पार्ट में जिसमें सिर्फ रिडक्शन रिडक्शन uh, uh, हो रहा है उसे भी हाफ रिएक्शन बोल सकते हो आप तो रिएक्शन का कैसे हो सकता है मुझसे पूछा जाए रिएक्शन का क्लासिफिकेशन देखिए दो तरह से मैं कर सकता हूं एक रेडॉक्स और दूसरी नॉन रेडॉक्स रेडॉक्स का फर्दर क्लासिफिकेशन कर सकते हो देखो आप इंटर रेडॉक्स हम इसको और ज्यादा डेप्थ में पढ़ेंगे आगे इंटर रेडॉक्स इंट्रा और डिसप्रोपोर्शनल इंटर इंट्रा डिसप्रोपोर्शनल नॉन रेडॉक्स में फर्दर कर सकते हैं एसिड बेस रिएक्शन अगर आप मुझसे चाहते हैं नॉन रेडॉक्स में क्या होगा तो किसी का भी ऑक्सीडेशन ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा किसी भी एक एलिमेंट का एक का भी हो गया तो वो रेडॉक्स में चला जाएगा यहां ऑक्सीडेशन नंबर चेंज ही नहीं होगा नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर नो चेंज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इसके अलावा इसमें एसिड बेस रिएक्शन हो सकती है और दूसरा हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं पीपीटी टाइप रिएक्शन फॉर्मेशन रिएक्शन पीपीटी प्रेसिपिटेशंस फॉर्मेशन रिएक्शन जिसमें पीपीटी बन रहा होता है तो मैं आपको नॉन रेडॉक्स रिएक्शन में बात कर रहा हूं इसको थोड़ा डेप्थ में यही क्लियर कर देता हूं एसिड बेस रिएक्शन में जैसे एन प्लस एस आप बताओ इसमें क्या बनेगा NaCl H2 Na का पहले भी +1 था अब भी +1 है Cl का पहले भी -1 था अब भी -1 है तो नॉन रेडॉक्स है साथ में एसिड बेस भी हो गया बोलो या yes सोनू no? PPT रिएक्शन जैसे AgNO3 अभी PPT नहीं बनेगा ये पानी में डिसॉल्व है इसको आपने NaCl में डाल दिया AgCl का PPT बन जाएगा वाइट और अलग हो जाएगा सॉल्यूशन से और बचेगा NaNO3, Ag पहले भी प्लस है प्लस वाने, Na पहले भी प्लस है प्लस है किसी के साथ कुछ नहीं हुआ है ऑक्सीडेशन में। तो ये तो रहा हमारा नॉन रेडॉक्स रिएक्शन का क्लासिफिकेशन, एसिड-बेस और पीपीट फॉर्मेशन रिएक्शन। इधर देखो, ये चीज आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि क्लासिफिकेशन हमारा कैसे रहा कैसे हमने करा एक बार रेडॉक्स रिएक्शन का क्लासिफिकेशन करते हैं सबसे पहले इंटर रेडॉक्स रिएक्शन इंटर रेडॉक्स रिएक्शन इंटर रेडॉक्स रिएक्शन को हम कैसे देखते हैं <laughs> देखो ध्यान से सुनना यदि अलग अलग मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है मेरा सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है सामने वाले का सिर्फ रिडक्शन हो रहा है तो वो इंटर रेडॉक्स होगा जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूं के एम एन फोर प्लस कोई सी भी ले लो एच टू सी टू ओ फोर एम एन प्लस टू में चेंज हुआ और सी ओ टू में चेंज हो रहा है प्लस फोर में ठीक है प्लस सेवन से प्लस टू ऑक्सीडेशन या रिडक्शन सी यहां पर प्लस थ्री है चार दो आठ दो गए छ्री हाँ, और यहां प्लस ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल हैं या सेम मॉलिक्यूल में से अलग अलग तो डिफरेंट मॉलिक्यूल पार्ट ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस कॉल्ड इंटर रेडोक्स रिएक्शन डेफिनेशन डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस कॉल्ड इंटर रेडॉक्स रिएक्शन इंटर रेडॉक्स रिएक्शन कोई दिक्कत नहीं है समझने में

ये डीकंपोज हुआ तो ज्यादातर डीकंपोजिशन पहले वो pcl5 हो या ये हो वो सारी इंट्रा रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है n2+ h2 ठीक है तो नाइट्रोजन का यहां पर कितना हुआ -3 से 0 ऑक्सीडेशंस और हाइड्रोजन का +1 से 0 रिडक्शन same molecule oxidize and reduce both same molecule oxidize and reduce both called inter redox reaction same molecule oxidized and reduce both called इंट्रा रेडॉक्स रिएक्शन सही है एक लास्ट डेफिनेशन उसके बाद मैं आपको लिखने का मौका दूंगा पूरा थर्ड डिस डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन देखिए अभी तक तो हम बात कर रहे थे मॉलिक्यूल में लेकिन अगर सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों हो सेम एलिमेंट तो उसको बोलेंगे डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शंस फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास एच टू ओ टू है माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑक्सीजन की कितनी है माइनस वन कैसे पता लगा हाइड्रोजन की तो प्लस आएगी दो तो दो ऑक्सीजन माइनस तो यहां आप अगर एच टू में तोड़ते हैं जहां माइनस टू या हाफ ओर टू में चेंज हो रहा है जीरो तो यह माइनस वन से जीरो क्या है ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो सेम एलिमेंट है मॉलिक्यूल तो है ही एलिमेंट है पहले से मॉलिक्यूल था अब एलिमेंट में आ गए तो डेफिनेशन क्या बनेगी सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस बोथ कॉल्ड डिस प्रपोर्शनल रिएक्शन डिस प्रपोशनल रिएक्शन एक और चीज मेरे साथ है डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन के लिए सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज मैं एक और एग्जाम्पल ले सकता हूँ पी एच थ्री बनाया और प्लस एच थ्री थ्री बना समझना पी फोर में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है जीरो एलिमेंट <coughs> है कोई बॉन्ड तोड़ोगे भी तो जीरो ही चार्ज आएगा यहां कितना आएगा माइनस तीन माइनस थ्री क्यों भाई क्योंकि नाइट्रोजन सॉरी फास्फोरस की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है और यहां कितना प्लस थ्री तो आप मुझे बताओ सेम एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है और सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है क्लियर है या नहीं है सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज रिड्यूस बहुत देन इट्स कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शंस लिखे इसको अगर मैं आपसे डिस्कस करने की कहता हूँ कि आप बता सकते हैं कौन से क्या के रिएक्शन मैच द कॉलम हम करते हैं एक इससे मैच द कॉलम पहला फर्स्ट पी क्यू आर एस और ए बी सी डी ए में मैंने लिख दिया कोई रिएक्शन लिख दिया रिएक्शंस और रिएक्शन मैंने ले लिया जैसे मैं लिख रहा हूँ हा ओ टू प्लस एच टू कुछ लिया जो बी SO4 फोर प्लस एच टू ओ टू बन रहा है ठीक है बी और यहाँ पर टाइप उसका लिखना है आपको इंटरडोक्स ए बी इंट्रा रेडॉक्स सी डिसपोशनल और डी नॉन रेडॉक्स रिएक्शन बी में ले रहा हूं एक और एग्जाम्पल Cl2 in alkali medium convert in C Cl- HClO2 C एक और एग्जांपल हम बात कर रहे हैं यहाँ पर PCl5 decompose PCl3 Cl2 एक और एग्जांपल है के टू सीआर टू ओ सेवन प्लस प्लस थ्री प्लस सीआर टू ओ थ्री तो आपको बताना है ए का क्या आंसर है बी का क्या आंसर है सी का क्या आंसर होगा डी का क्या होगा तो चलते हैं शुरू करें ए का आंसर क्या लग रहा है आपको नॉन रेडॉक्स रिएक्शन बिल्कुल सही कहा बेरियम यहाँ पर भी प्लस टू है यहाँ पर भी प्लस टू है ओ टू यहाँ पर भी माइनस टू है और ओ टू यहाँ पर भी माइनस टू है सल्फेट यहाँ पर भी माइनस टू है यहाँ पर भी माइनस टू है और हाइड्रोजन वही है एच प्लस तो नॉन रेडॉक्स रिएक्शन यानी इसका आंसर होगा डी नॉन रेडॉक्स आप देख सकते हैं नॉन रेडॉक्स सीधा सीधा आ गया है, Cl2 यहां इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है यहां कितना है माइनस वन ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिडक्शन प्लस जो भी आ रहा है थ्री ऑक्सीडेशन जीरो से तो सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज रिड्यूस डिस आंसर गोस टू सी पी सी फाइव फॉस्फोरस का कौन सा है प्लस फाइव यहां पर क्या है प्लस थ्री ये जीरो माइनस वन सेम मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज रिड्यूस सेम मॉलिक्यूल सेम एलिमेंट नहीं है सेम मॉलिक्यूल है इंटर या इंट्रा 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 का मतलब बी आंसर यहां प्लस सिक्स नेक्स्ट प्लस थ्री प्लस टू प्लस थ्री डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस इंटर या इंट्रा इंटर तो आंसर गोज टू ए लिखे इसको